श्री मनीष यादव, अन्य अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया जो विषय से संबंधित नहीं है वह एक्सपंज किया जाए। अन्य अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधानसभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में, जो पूरा क्षेत्र जहाँ विशेष रूप से शाहपुरा नगर पालिका और मनोरपुर नगर पालिका के वार्ड हैं, जो आसपास की जितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें खोरी, बिदारा, राजपुरा, लोचुकाबास, निठारा, नवलपुरा, मामटोरी, अमरपुरा, चिमनपुरा, यहाँ तक कि देवन, काट, लाखनी, खातोलाई, धौली, महार, इनमें विशेष रूप से बहुत ज़्यादा बंदरों का आतंक है और ये वहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है। मैं आपसे आपको बताना चाहूँगा कि बंदरों के आतंक की वजह से पिछले 4-5 वर्षों में लगभग 2000 से अधिक लोगों को मंकी बाइट के, जो बंदर के काटने से एंटी रेबीज के सरकारी अस्पतालों में ऐसे उनको इंजेक्शन लगाने पड़े। और विशेष रूप से पिछले वर्ष अगर 2023 का वर्ष हम देखेंगे तो हमारे सरकारी जो अस्पताल है, चिकित्सालय है, उनका रिकॉर्ड हमने लिया है कि 230 लोगों को वहाँ पर एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ पर आज बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो विशेष रूप से इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित है। छत पर अगर कोई सामान रखा है, पानी की टंकी है, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, तो उनको बंदरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के समय भी आप सदन का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि विशेष रूप से इस विषय में कोई कार्रवाई करें, क्योंकि अभी तक जो कलेक्टर की अनुमति से केवल लोकल बॉडीज़ को नगरपालिका स्तर पर केवल इस प्रकार की व्यवस्था है, ग्राम पंचायत स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर के सघन अभियान चलाया जाए, उनको अन्यत्र कहीं पर छोड़ा जाए ताकि लोगों को निजात मिल सके। कई लोगों को तो छतों पर से गिरने से उनकी जान भी जा चुकी है। ये बहुत संवेदनशील विषय है। मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय इस विषय पर ध्यान दे, सरकार इस विषय पर ध्यान दे और हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छी सरकार मॉनिटरिंग करके हमारे को बंदरों के आतंक से निजात दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, ये केवल शाहपुरा का मुद्दा नहीं है, ऐसा कई जगह है, तो मेरे अजमेर में भी है। जरा इस पर थोड़ी गंभीरता रखते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। श्री